प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का शिल्पकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर ये सेंट्रल विस्टा क्या है, तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाकों को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। कई अड़चनों के बाद 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इस परियोजना पर कुल 608 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पूरे प्रोजेक्ट का काम जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है, जिसमें कर्तव्य पथ के दोनों ओर के हिस्सों के सौंदर्यीकरण किया गया है। वहां फूड स्टॉल बनाए गए हैं, बैठने और घूमने के खास इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ नेताजी की मूर्ति का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है। नेताजी की जिस प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया है, उसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले ग्रेनाइट के एक अखंड ब्लॉक से उकेरा गया है। 26,000 घंटे की मेहनत के बाद 65 मीट्रिक टन वजनी मूर्ति का निर्माण करने के लिए ग्रेनाइट मोनोलिथ को तराशा गया था। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके मूर्ति को पूरी तरह से हाथ से तराशा गया है। कभी इसी जगह जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, जो गुलाम भारत की तस्वीर थी। यूं कहें कि हमारी आज़ादी के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा देश के दिल इंडिया गेट पर सुशोभित है। वो आज़ादी के नायक जो अब तक भुला दिए गए थे, उन्हें अब याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल की अगर कोई सबसे अच्छी बात है तो वो है अपनी संस्कृति के धरोहरों को सजाना। अब तक हिंदुस्तान के बच्चे केवल नेहरू और गांधी परिवार के योगदान के बारे में ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब वो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी जान रहे हैं। आज़ादी के 50 साल तक देश का अपना वार मेमोरियल नहीं था जहां राष्ट्र शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक इंडिया गेट के पास वार मेमोरियल बनवाया, जहां देश के सभी शहीद जवानों का नाम अंकित है। सरदार पटेल ने एकजुट भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन देश को जो सम्मान उन्हें देना चाहिए था वो नहीं दिया जा सका था। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाई, जो कि देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब ये मूर्ति बन रही थी तो लोग नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते थे कि वे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन आज ये प्रतिमा पर्यटन के जरिए देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जगहों में से एक है। इसी तरह जब बनारस में काशी कॉरिडोर बनना शुरू हुआ तो लोगों ने काफी हो हल्ला मचाया। जब कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ तो वहां अचानक पर्यटकों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई, जहां लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला, वहीं सरकार को भी खूब आमदनी हो रही। उत्तराखंड का केदार धाम, प्रयागराज का कुंभ मेला और अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर, ये वो काम है जिन्होंने दुनिया को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से लोगों को अवगत करवा रहे हैं। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी लोग देखने के लिए उत्साहित हैं। दिल्ली मेट्रो ने तो लोगों के लिए निःशुल्क बस सेवा चला रखी है, जिसके माध्यम से लोग इंडिया गेट के नए स्वरूप को देख सकेंगे और सच्ची आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं। नए भारत की नई तस्वीर पर आप क्या कहेंगे, हमें जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।